दर्शन जोड़े जोड़े सुबाया दिन देव घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो जब पीछे खड़ा हो ही दर्शन लाया सर लाला गावे हो। हेलो गाइस, दिस इज अनुप्रिया सिंह। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल एंजल्स। सो गाइस, आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि छठ पूजा आ चुका है एंड अब मैं हूँ अपने विलेज में। सो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। एंड ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड स्पेशल होने वाला है क्योंकि इतने टाइम बाद यहाँ पे छठ में हम लोग गाँव आए हुए हैं एंड ये छठ पूजा 1700 ईयर्स से सेलिब्रेट हो रहा है। एंड इस बार का छठ बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि संडे को पड़ा है। सो कुछ ऐसा है कि बहुत स्पेशल माना जाता है इसको। एंड इस बार और ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस बार ये छठ पूजा गांव से हो रहा है एंड मेरी दी भी छठ कर रही है फर्स्ट टाइम। सो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड ये बहुत धूमधाम से होने वाली है। सो आपको मैं दिखाने वाली हूँ कैसा होने वाला है छठ पूजा हमारे यहाँ एंड कैसे कैसे प्रिपरेशन होते हैं सब कुछ। सो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं सारा वीडियो प्रॉपर दिखाऊँ कि कैसे हमारे यहाँ छठ सेलिब्रेट होता है बिहार में एंड क्या ट्रेडिशन है छठ का। सो बहुत ही मस्ती करने वाले हैं हम एंड बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आपको कि कैसे क्या प्रिपरेशंस होती हैं और कैसे क्या होता है और कैसे मस्ती होती है। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, आपको मैं बता दूं कि ये छठ फेस्टिवल 4 दिन का होता है जिसकी वजह से इसको महापर्व कहा जाता है एंड ये बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे कठिन फेस्टिवल माना जाता है एंड इसे लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही प्यार से। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पहला दिन नहाए खाए, जिसमें सबसे पहले नहाने के बाद कद्दू भात खा के अपना फास्टिंग रखा जाता है एंड इसमें पहले से ही सारी प्रिपरेशन की जाती हैं। सब चावल गेहूँ दाल जो भी होते हैं सब धुल के छत पे पहले से ही सुखाया जाता है, जिसे घर की औरतें धूप में बैठ के देखती रहती हैं पूरे टाइम कि एक चिड़िया भी ना चुगे उसको। एंड ये पूरा खाना प्योर घी में बनता है, शुद्ध घी में, एंड इसमें कद्दू भात के अलावा दाल और भुजिया वगैरह भी बनता है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा day 2 एंड इसमें भी दिन भर फास्टिंग रख के शाम में पूजा की जाती है। कुछ लोग घाट जाते हैं और कुछ लोग घर पे ही नहा करके ही पूजा करते हैं। सो मम्मी लोग तो घाट गई हैं एंड दी लोग घर से ही पूजा कर रही है। सो यहाँ पे नहाने के बाद इस तरह से ये शादीशुदा लोग सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को, जिसमें छठ में ये जनरली होता है एंड उसके बाद ये लोग पूजा करते हैं सूर्य देव की। सो आप यहाँ से देख सकते हो इस तरह से ये लोग पूजा करते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये देख करके। एंड इसके बाद जब पूजा ख़त्म हो जाता है शाम में ये लोग फिर खाना बनाते हैं अपना प्रसाद एंड उस प्रसाद को खा करके फिर अगले दिन फास्टिंग करते हैं, मतलब उस रात से ही फास्टिंग करते हैं। सो इस प्रसाद में बनता है ये गुड़ वाली खीर एंड पूरी बनती है। सो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि कैसे बनता है सब। एंड ये घी सबसे ज़्यादा स्पेशल है इस फेस्टिवल का क्योंकि इसके बिना छठ अधूरा है, क्योंकि सारी चीज़ें प्योर घी में बनती हैं। सो यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं सब पूरी के लिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी लेडीज़ बैठ के प्रसाद बना रहे हैं एंड जो फास्टिंग नहीं करते हैं वो लोग अलग से अपना खाना बनाते हैं, जैसे हम लोग खुद ही बनाते हैं अपना खाना एंड हम लोग को भी कुछ नहीं खाना होता, हम लोग बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनाते हैं पूरा एंड सब कुछ बहुत प्योरिटी के साथ बनता है एंड बहुत शुद्ध बनता है। सो यहाँ इन लोग का प्रसाद ऑलमोस्ट बन चुका है एंड अब टाइम आ गया प्रसाद लगाने का, प्रसाद लग चुके हैं। सो इसके बाद ये लोग सब साथ में बैठ के प्रसाद खाएंगे एंड इसके बाद फिर से इन लोग की फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड यहीं से ख़त्म होता है day 2 खरना। खरना को सांझा भी बोलते हैं। सो गाइस, आ चुका है वो दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। बाज़ार लग चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, बस इंतज़ार है तो सिर्फ संध्या अर्घ का एंड हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ प्रसाद बन रहा है एंड ये प्रसाद अभी से नहीं, रात के 3 बजे से बन रहा है क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को बांटना होता है, इवन जिनके यहाँ फास्टिंग नहीं होती है या फिर फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबके यहाँ ये प्रसाद बांटते हैं। सो ये प्रसाद मिट्टी के उस पर ही चूल्हे पे ही बनता है जिसमें आम की लकड़ी डलती है एंड ये पूरा प्रसाद ऐसे ही पकता है एंड ये पूरा प्रसाद प्योर घी में बनता है, स्पेशली जो चढ़ाने वाला प्रसाद होता है वो। बाकी प्रसाद रिफाइंड ऑयल में बन सकता है बट जो चढ़ाने वाला प्रसाद होता है वो स्पेशली घी में बनता है। सो यहाँ पे ये बन रहा है अगरोटा
एंड इसमें गुड़ की एंड चीनी की कचौनी भी बनती है, जिस जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करा है, बट वो चीज़ें मैंडेटरी होती है उसमें पूजा में। एंड यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से ये बन रहा है ठेकुआ। सो यहाँ घी डल रहा है एंड जब ये गर्म हो जाएगा इसमें ठेकुआ डलेगा एंड ये तलेगा। सो ऐसे ही प्रसाद बनता है छठ का। और हम लोग 3 बजे से 11 बजे तक जगे रह गए क्योंकि इतना सारा प्रसाद बनाना था। हमें ऑलमोस्ट 8 आवर्स लगे, मतलब 8 घंटे। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होते क्योंकि छठ का गीत गाते रहते हैं सब एंड सॉन्ग चला देते हैं। सो हम लोग एंटरटेन होते रहते हैं एंड हम लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होते। इवन हम लोग को बहुत मज़ा आता है। हम रात के 3 बजे उठ के नहा लेते हैं एक्साइटमेंट में, प्रसाद बनाने की खुशी में एंड ऑब्वियसली ठेकुआ खाने की खुशी में, जो कि छठ के बाद ही मिलता है, बट स्टिल। सो अब मैं आपको मार्केट का थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिखा देती हूँ। जिस तरह से होली में कलर से सब कुछ कलरफुल दिखता है, उस तरह से छठ में सारे फ्रूट से पूरा मार्केट कलरफुल दिखता है। एंड छठ की ये खासियत है कि छठ में सारे तरह के फ्रूट्स चढ़ते हैं, कुछ भी नहीं रहता ऐसा जो नहीं चढ़ता है। एंड यहाँ पे ये कुछ शॉपकीपर्स जो हमारे वीडियो बना लो कहाँ पे डालने वाले, कहा कि यूट्यूब पे डालने वाले, सो जैसे कि हमारे शॉप की वीडियो बना लो, दैट वाज फनी एंड क्यूट। सो बहुत अच्छा लगा ये। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मार्केट, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट होता है, लोग सारे खरीदने आते हैं फ्रूट्स एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब देख करके, अपने आप में एक खुशी होती है। सो चलते हैं अब घर की तरफ एंड आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। सो दौरा वगैरह सब कुछ लग चुका है, सब धुल के रखे हुए हैं सारे फ्रूट्स, यानी ये रूम में ऐसे फ्रूट्स सारे रखे हुए हैं ला करके। सो अब मैं दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल लगता है ये जब ऐसे रखा होता है रूम में, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, देख के ही खुशी होती है एंड इससे भी ज़्यादा खुशी होती है कि वाह खाने को मिलेगा अब ये। बट वेट करना होता है बहुत ज़्यादा फास्ट ख़त्म होने का। सो यहाँ सारे फ्रूट्स धुल चुके हैं एंड ये अब रेडी हैं सूप वगैरह में लगने के लिए। इन्हें डेकोरेट किया जाता है, ये पूरे सूप में डेकोरेट होते हैं, जितने लोग फास्टिंग करते हैं उनके पर्टिकुलर सूप होते हैं, हर किसी के सूप में सारे फ्रूट्स लगते हैं। एंड ये फ्रूट्स लगने के बाद दौरा में रखा जाता है एंड इसके बाद शाम में हम लोग जाते हैं एंड वो टाइम भी आ गया। सो हम निकल चुके हैं बैंड बाजा और बारात लेके विद दौरा। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंड के साथ सब निकले हुए हैं एंड ये कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो अपने सर के ऊपर दौरा रखते हैं एंड जाते हैं। एंड पीछे से अपनी बारात दिखाऊंगी, ये रही हमारी बारात। सो ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सब ऐसे चल के जाते हैं घर से घाट तक के एंड बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सॉन्ग्स बजते रहते हैं एंड सब चल चल के जाते हैं साथ में और ऐसे ही हम सब इंजॉय करते करते छठ घाट तक पहुंच जाते हैं। एंड ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे फॉर द संध्या अर्थ। सो कुछ सामान रह गया था घर पे जिसकी वजह से मैं स्कूटी से जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ अपने गांव का व्यू चेजिंग द सन। सो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब, इतने ज़्यादा खेत हरे भरे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। यहाँ पे रोड्स पे लिखे हुए हैं वेलकम फॉर छठ पूजा एंड हम घाट पे पहुँचने वाले हैं, तब तक आप व्यू का मज़ा लो। एंड अगर आपको विलेज ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ बताने कि ये वीडियो कैसी बनी है। सो घाट थोड़ा घर से दूर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही दूर है, पैदल जाने वाले लोगों के लिए तो है ही, स्कूटी से जा रहे हैं फिर भी दूर लग रहा है। सो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगी घाट का व्यू। सो यहाँ से देखो खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी धान का सीज़न है सो सब जगह धान लगे हुए हैं पैडी सीड्स एंड ये बहुत देखने में सुंदर लगता है जब हम इस टाइम पर विज़िट करते हैं गाँव तो। सो हम पहुंच चुके हैं घाट पे एंड आपको अब मैं अंदर से व्यू दिखाऊंगी। सो ये सारे घाट सज चुके हैं, सब ने अपने सूप वगैरह रख लिए, अपने घाट के ऊपर दिए वगैरह सब कुछ डेकोरेट कर दिए हैं एंड यहाँ से ये घाट सब ने ईंट इस तरह से सजा रखे हैं क्योंकि नीचे बहुत सारे स्टेयर्स थे सो ईंट खड़े नहीं हुए हैं इस पर, सो सब ने इस तरह से इसको लिटा के रख दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है संध्या आरती के लिए, सब पानी में ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं पूजा करने के लिए, सब नहा चुके हैं। आगे से वही वापस से सारे प्रोसेस नहाने के बाद से जो ये सिंदूर लगता है छठ के टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग। सो ये यहाँ पे घर की जितनी लेडीज़ हैं सब को लग रहा है एंड ये अब ये अर्घ दे रहे हैं और ये मैं सूर्य देव को छठी मैया को जल देती हूँ। सो जो लोग फास्टिंग करते हैं उन्हें बस बॉयज़ ही अर्घ देते हैं
एंड ये मम्मी अर्घ देते हुए, एंड ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें रियल गॉड का पूजा होता है, जिसमें डूबते एंड उगते हुए सूरज की पूजा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ये इतना ज़्यादा हैवी होता है सूप, पता नहीं ये लोग कैसे इतनी देर तक पानी में लेके खड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है फ्रूट्स वगैरह से। सो ये अर्घ देते हैं, उसके बाद हम इनसे लेके रख देते हैं। तो अब हम थोड़ा पुण्य कमाते हुए, जब सब नहा के कपड़े चेंज कर लेते हैं उसके बाद धुलना उसको बहुत पुण्य का काम होता है, तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत मज़ा आता है इसमें भी। एंड सब रेडी होके वापस से घाट पे बैठ चुके हैं सब अपने अपने घाट के सामने। एंड ये पूरी रात ये लोग यहीं रहने वाले हैं, यहाँ पे दिए जलते रहते हैं ये पूरे टाइम। ये लोग घी डालते हैं अगर घी कम पड़ जाता है तो। सो मम्मी लोग तो यहीं सोएंगे रात भर और हम लोग चले जाते हैं घर। हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, खा के फिर वापस आते हैं। सो मैं आपको रात का भी व्यू दिखाऊंगी कि कैसा होता है सब कुछ, कैसा दिखता है वहाँ का नज़ारा। सो यहाँ से देखो आप घाट कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सब दियों से जल रहा है। सो हम सब खा पी के अब निकल चुके हैं उन लोगों के लिए ब्लैंकेट लेके, वहाँ पे वो लोग रहते हैं रात भर, तो हम लोग सब ब्लैंकेट लेके जाते हैं हम पटाखे फोड़ते हुए। सो यहाँ पे अब मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। रात के 10:30-11 हो रहे हैं, सब ऑलमोस्ट सो चुके हैं यहाँ पे, और हम लोग वापस को जा रहे हैं अब। एंड हम सुबह वापस फिर से आएंगे, और सुबह हो चुका है, चौथा दिन स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे उषा अर्घ होता है मॉर्निंग का अर्घ, और इसको पारण का दिन भी कहा जाता है। सो हम लोग सब नहा के 4 बजे घाट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे 5 बजे के अराउंड से ही सब पानी में खड़े होके सूर्य देव का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड सब नहा करके वापस से वही सिंदूर वगैरह लगाने का प्रथा, एंड बहुत अच्छा लगता है ये सब। सो ये है और इसका ये पहला छठ है, सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड खुश हैं। एंड ये रहा मेरा सेकेंड आउटफिट ऑफ द डे फॉर उषा अर्घ। और ये रहे सारे छठ व्रती सुबह से ही पानी में खड़े खड़े सूर्य देव का इंतजार करते हुए एंड छठ गीत गाते हुए। और अब मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊंगी जो मम्मी लोग गीत गाए हैं, और हमने भी थोड़ी मस्ती की। दी का फर्स्ट छठ है तो हमने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है उसको। सो सब अर्घ दे रहे हैं एंड अब पूजा ख़त्म होने को है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट आने वाला है कि जब पूजा ख़त्म होता है सब प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ते हैं। सो अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, सूर्योदय। सी दिस ब्यूटीफुल सनराइज, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। एंड इसी के साथ अब छठ पूजा ख़त्म होता है, हम सब घर को जाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है प्रसाद खाने को। घर जाने के बाद जो ईख खाने का मज़ा है, गागर नींबू खाने का मज़ा है, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। घर पे सब एक साथ बैठ के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और प्रसाद खाते हैं बहुत अच्छे से। सो गाइस मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है कि घर जाके ईख जमाना, एंड उससे भी ज़्यादा मुझे क्या मज़ा आता है, हम लोग सब अपने अपने फ्रूट्स चूज करके अपने फेवरेट्स उसे छुपा देते हैं और फिर खाते हैं। सो फाइनली हम घर को वापस जा रहे हैं सारी पैकिंग करके। सो हे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ढेर सारा प्यार दो एंड बहुत सारे कमेंट्स करो, एंड कमेंट में बताओ कि कैसी लगी आपको ये व्लॉग। एंड मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।